स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 3.4 पे हैं और यहाँ क्या कर रहा है, सॉल्व इच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक देख लिए थे। देखिए दिया है x by a इक्वल टू में y by b, और दूसरा है आपका ax plus by इक्वल टू में a square plus b square। यहाँ देखिए आपका हो जाएगा bx और इधर हो जाएगा ay। यहाँ पर देखिए बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू जीरो, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ से ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद हमारा यहाँ पर देखो तो ए वन बी हो जाएगा, बी वन जो माइनस ए हो जाएगा और सी वन जीरो हो जाएगा। ए टू आपका देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टू ए बी टू बी और C2 जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, x बाई बी सी यानी बी वन सी वन बी टू सी टू, वाई बाई सी ए यानी सी वन ए वन सी टू ए टू, माइनस वन बाई ए बी यानी ए वन बी वन ए टू बी टू। ठीक है, चलिए x बाई में बी वन सी वन देखिए यहाँ माइनस ए जीरो बी टू सी टू, तो यहाँ बी और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई बाई में सी वन ए वन यानी जीरो बी सी टू ए टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना ए, समझ रहा है। अच्छा यहाँ पर ए वन बी वन बी माइनस ए ए टू बी टू ए बी। चलिए आगे यहाँ पर आगे देखते हैं, x y में माइनस का a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस जीरो, वाई बाई में जीरो माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस वन बाई में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x y माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस वन बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए तो अब इसको अलग अलग कर देते हैं, एक्स बाई माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू में माइनस वन बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसको यहाँ से कर देंगे तो एक्स इक्वल टू में ए, यहाँ ए कट जाएगा, वाई इक्वल टू में हो जाएगा बी। समझ गए, चलिए फिर